कम दबाव डाले तो ये हमारे गरीब आदमी इतना बिकाऊ माल हो गया कि ना पिए दिखा दो चल किस पर अठा ले जाओ सब मान या कि मैं तो कर दो मैं करे डिक्लेयर तो करो आवाज उठा दो परसों से या बने ओके हम तो ये दे उठा करो मैं मतलब कुछ कर रही हूं हां जेड़ा मैं कहो कर पर यहां पे ये एफिडेविट है मेरे नाम ये प्रतापगढ़ गांव के सैनी बिरादरी के लोगों ने किसानों ने दिया और उन्होंने इसमें ये लिखा है कि 7-8 साल पहले यहाँ के सांसद नवीन जिंदल जी ने अपने आदमी भेजे आप अगर हमें गांव की जमीन दे दो तो मैं इस इलाके की बेरोजगारी को दूर करना चाहता हूँ और बड़ा कारखाना मैं यहाँ लगाऊंगा। इन लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कि वे हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए अपनी जमीन जिंदल के आदमियों के नाम कर दी। आज 7-8 साल बीत चुके हैं। शुरू के 3 साल तक लारे लप्पे देते रहे कि अब काम शुरू होगा अब काम शुरू होगा अब काम शुरू होगा। ये लोग बार बार पूछते रहे भी कब फैक्ट्री लगेगी कब लगेगी, लेकिन आज तक वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं। वो पार्टी आपके माध्यम से जिंदल साहब से भी पूछना चाहती है कि ये जो लोग लिख के हमें दे रहे हैं क्या ये सच्चाई है? अगर ये सच्चाई है तो आपने वहाँ कारखाना क्यों नहीं लगाया? लोगों के साथ विश्वासघात क्यों किया? क्योंकि आप इस इलाके के नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, सरकार में बैठे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप गरीब लोगों की सेवा करें ना कि उनके जमीनों को हड़पें। इस दिन से रजिस्ट्री शुरू